नमस्कार, चलिए जान लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों को। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी इस मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री योगी ने भैया दूज और गोवर्धन पूजा की दी बधाई, कही ये बड़ी बातें। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज और गोवर्धन पूजा की सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है और सभी के लिए मंगल की कामना भी की है। उन्होंने ट्वीट कर अभी ये कहा है कि भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास के प्रति सनातन परंपरा के वाहक पावन पर्व भैया दूज की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। प्रेम, समर्पण व कर्तव्य परायणता का यह पर्व सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए, यही कामना है। उत्तर प्रदेश में मायावती ने किया योगी सरकार से सवाल, अगर गैर सरकारी मदरसे बोझ नहीं बनना चाहते तो इसमें दखल क्यों? जी हां, बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा दिया है। मायावती ने कहा है कि गैर सरकारी मदरसे सरकार का बोझ नहीं बनाना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों? उन्होंने कहा है कि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर व स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान हेतु खास तौर से सर्वे कराया जाता है, तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? आफत, उत्तर प्रदेश ने बुखार व जुकाम के साथ इस बीमारी से जकड़े लोग, आंख और नाक पर हो रहा तेजी से असर। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम, आतिशबाजी के धुएं ने लोगों को बीमार कर दिया है। पारा गिरने से सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ बुखार भी आ रहा है, साथ ही धुएं से आंखें और नाक बहने की शिकायतें भी हैं। SNMC की OPD में ऐसे ही मरीजों की अधिकता रही है। वहीं बता दें कि अवकाश के बाद आज OPD खोली गई, इसमें सामान्य दिनों की अपेक्षा में मरीज कम आए, लेकिन ज्यादातर मरीज मौसम और पटाखों के धुएं की मार के पीड़ित सबसे ज्यादा रहे। मोदी सरकार छूट मुक्त कर व्यवस्था को खत्म करने पर कर रही विचार। जी हां, बता दें कि केंद्रीय बजट 2020 और 21 में एक नई कर व्यवस्था पेश की गई। इसमें करदाताओं को विभिन्न कटौतियों और छूट वाली पुरानी व्यवस्था और छूट और कटौती के बिना यानी छूट मुक्त कम कर दरों की पेशकश करने वाली नई कर व्यवस्था के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया। अब सरकार छूट मुक्त कर व्यवस्था को खत्म करने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार करदाताओं की पुरानी कर व्यवस्था में अधिक आकर्षक को देखते हुए पुरानी कर प्रणाली को ही और सुविधाजनक एवं आकर्षक बनाने की योजना पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में मरीज को मौसमी का जूस चढ़ाने वाले आरोपी ग्लोबल अस्पताल पर चलेगा बुलडोजर, PDA ने दी नोटिस। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलवा स्थित ग्लोबल अस्पताल के भवन को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है, जिसने डेंगू से पीड़ित एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह कथित तौर पर मौसमी का जूस चढ़ा दिया। ऋषि सुनक के ब्रिटेन PM बनने से आगरा के इन व्यापारियों की बड़ी आस, उत्तर प्रदेश में उद्योग बढ़ने की आशा। जी हां, बता दें कि ऋषि सुनक के ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की खबर मिलते ही उत्तर प्रदेश की आगरा के फुटबियर निर्यातकों में खुशी की लहर है। उनको लगता है कि नए PM ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कामयाब हुए तो उत्तर प्रदेश की आगरा से निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी मिल सकती है। वहीं बड़ी सौगात मुक्ति व्यापार समझौते की मिल सकती है। वर्तमान में आगरा के फुटवियर को यूनाइटेड किंगडम में घुसने के लिए 4.5% की ड्यूटी चुकानी पड़ती है। बता दें कि जिस तरह से भारतीय सरकार इस समझौते के लिए प्रयासरत है, सुनक के आने से यह उपलब्धि मिलने की उम्मीद बलवान हो गई है। उत्तर प्रदेश में गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, केदारनाथ सहित अन्य धामों में इस दिन तीर्थयात्रियों का होगा प्रवेश बंद। जी हां, बता दें कि विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ बार शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। भैया दूज के अवसर पर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद होंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवम्बर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2 दिन तक कुएं में पड़ी रही बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन, 2 साल की मासूम को ऐसे बचाया, देखे फोटो। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के टुंडला तहसील के थाना नगला सिंघी क्षेत्र में दीपावली के दिन से 2 दिन तक कुएं में पड़ी रही मासूम बालिका पिता का पीछा करते हुए भटक गई। बता दें कि पिता साइकिल की पंचर जुड़वाने के लिए निकला और 2 साल की मासूम बेटी पीछे चली गई। अब आपको बता दें कि परिवार के लोग अब सकुशल कुएं से निकली बच्ची के साथ भाई दूज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में
में भाई दूज पर बढ़ी बसें जयपुर समेत इन रूटों पर आसानी से मिलेंगी बस। जी हाँ, बता दें कि देश भर में भाई दूज है, इसके लिए जाने आने वालों की बस ट्रेनों में भीड़ उमड़ेगी। वही उत्तर प्रदेश रोडवेज पर बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिर का हुजूम रहेगा। यात्री सुविधाओं के लिए परिवहन और रेलवे ने कमर कस ली है, अब प्रत्येक रूट पर गाड़ियां बढ़ा दी है। वहीं दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा को निकलने वाली भीड़ को देखते हुए परिवहन और रेलवे ने तैयारी कर ली है। अब उत्तर प्रदेश की आगरा से दिल्ली की ओर जाने और दिल्ली की ओर से आने वाली बसों की संख्या में भी 80 से बढ़ाकर 110 की बढ़ोतरी कर दी है। दिवाली की सफाई में निकले कबाड़ से केंद्र सरकार ने कमाया 254 करोड़, 3 सप्ताह चला अभियान। जी हां, बता दें कि दीपावली के मौके पर हर घर में सफाई होती ही है, लेकिन शायद ही किसी को इससे बड़ी रकम मिल रही है। बता दें कि वहीं केंद्र सरकार ने दीपावली की सफाई में निकले कबाड़ से ही 254 करोड़ रुपए की रकम हासिल की है। यह रकम केंद्र सरकार के विभागों से जुड़े दफ्तरों से निकले कबाड़ों को बेचने से मिली। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बताया है कि दीपावली से पहले सफाई का यह अभियान 3 सप्ताह तक चला, इससे निकले कबाड़ों को बेच दिया गया जिसमें 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली। इसके अलावा 37 लाख वर्ग फुट जमीन भी खाली हुई है। उत्तर प्रदेश में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर कसता शिकंजा, बड़ा बेटा वाजिद भी गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके परिवार पर पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने हाजी इकबाल के बड़े बेटे वाजिद को अभी अभी गिरफ्तार कर लिया है। वाजिद दिल्ली से दुबई फरार होने की फिराक में था, एयरपोर्ट से ही शहर में पुलिस की टीम ने वाजिद को दबोचा है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले बरेली को 42 सड़कों के निर्माण की सौगात, पक्की हो जाएंगी गलियां। दिया बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में जर्जर सड़कों से जनता ही परेशान नहीं है, इस बार पार्षदों की भी टेंशन बढ़ गई है। निकाय चुनाव की आहट के चलते पार्षदों ने जनता से जुड़े विकास कार्यों का पुलिंदा नगर निगम अफसरों के सामने रख दिया है। इसमें मुख्य सड़कों के निर्माण तक का भी मामला है, इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। अब नगर निगम ने ऐसे 42 सड़कों के टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे और सड़कें बन जाने से लोगों को खासी सहूलियत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, कम ब्याज दर में रोजगार के लिए लोन, जरूरी दस्तावेज समेत जाने आवेदन प्रक्रिया। जी हाँ, बता दें कि ग्रामीण शिक्षित युवाओं के शहरी क्षेत्रों में पलायन करने को कम करने और बेरोजगारी की समस्या को तेजी से हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण व्यक्तिगत उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना तैयार की गई है। इस रोजगार योजना के तहत बैंकों द्वारा 10 लाख रुपए 4% की ब्याज दर से ज्यादा की राशि ब्याज उत्पादन के रूप में दी जाएगी। और वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र ग्रामों या ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, वे नियमानुसार बैंक लोन देंगे। जिलों में यह योजना खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सीधे जिलाधिकारी के नियंत्रण में चलाई जाएगी। इस योजना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पॉलिटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। शिक्षित बेरोजगार युवा जिनकी उम्र सीमा सरकार की सेवा के लिए खत्म हो गई है, वही बता दें कि TRYSEM और किसी अन्य सरकारी योजना के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवार हो, पारंपरिक कारीगर भी हो, स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में गंगा जल की गुणवत्ता और भी खराब, इन इलाकों में ड्रिस श्रेणी में पहुंची क्वालिटी। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में लाख प्रयासों के बाद भी उत्तर प्रदेश के गंगा जल की गुणवत्ता सुधरने के बजाय और खराब होती जा रही है। धार्मिक नगरी कही जाने वाली वाराणसी समेत राज्य में कहीं भी गंगा जल शोधन के बगैर आचमन योग्य नहीं है। वही सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज समेत 17 जगहों पर गंगा जल की गुणवत्ता सबसे खराब यानी ड्रिस श्रेणी में है। इस श्रेणी का जल सिर्फ वन्य जीवों और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त होता है। लोकसभा चुनाव से पहले भक्तों के लिए खुलेंगे राम मंदिर के दरवाजे, 1000 साल तक कायम रहेगी भव्यता। जी हां, बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के खुलने का इंतजार राम भक्त बेसब्री से कर रहे हैं। वही मकर संक्रांति के दिन इसके गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना के बाद जनवरी 2024 में मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। वही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अभी अभी इसकी जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि मंदिर भूकंप प्रतिरोधी है, इसके 1000 से अधिक वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त प्रबंधन किया गया है।
उत्तर प्रदेश में जल्द ही गोरखपुर में हो सकेंगी मीट सब्जी और दूध पानी की भी जांच। यह बताने के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जल्द ही मीट सब्जी तेल दूध और पानी में बनाए जाने वाले मेटल्स जैसे आर्सेनिक आयरन लेड आदि की जांच के साथ ही दवाएं की भी गुणवत्ता की भी जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी। बताने की नथमलपुर में करीब 1.25 एकड़ में बन रही अत्याधुनिक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की नई अत्याधुनिक लैब का निर्माण कार्य वर्ष 2023 में पूरा हो जाएगा और लैब के निर्माण का काम राजकीय निर्माण निगम करा रही है। छठ पूजा पर घर जाने के लिए ट्रेनों में मारामारी, महंगी हुई हवाई जहाज की भी सवारी। जी हाँ, बता दें कि 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है। दिल्ली हो या मुंबई, फिर दुनिया के किसी भी कोने, बिहार, झारखंड या फिर पूर्वांचल का कोई व्यक्ति रहता हो, इस महापर्व पर अपने घर जाने के लिए बेताब रहता है। इस समय बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल हैं और हवाई जहाज की टिकट के लिए भी मारामारी चल रही है। बता दें कि दिल्ली से पटना तक के लिए 27 अक्टूबर का किराया 12,000 से करीब 19,000 तक पहुँच गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।